गाइस अभी मैं सेक्टर 4 मार्केट आ गया हूँ। आज वेडनेसडे तो वीकली मार्केट यहाँ पे लगता है और अपन जैसे कि कल वहाँ खाइए तो सर कुछ सब्जी वगैरह लेना था मुझे, तो चलिए सेक्टर 4 मार्केट में देखते क्या क्या सब्ज़ी है और लेके चलते। टमाटर कैसे भैया? 40 रुपये किलो। ओह 40 हो गया। और ये तुरई है? तुरई 40। ज़्यादा सब्जी नहीं है, बस 2-3 सब्जी लेकिन निकलना है। इसमें तुरई का लिस्ट है, तुरई है और टमाटर वगैरह कुछ है। देखते हैं यहाँ पे बरबटी अच्छा दिख रहा है, इसको इसका ले लेते हैं। सब्जी वगैरह खरीद लिए हैं और निकलते हैं क्वार्टर। और कल नुआखाई तो काफ़ी सारा शॉपिंग वगैरह करना है यार। सब्जी तो ले लिया है छोटा मोटा जो ज़रूरत था, उसके बाद कुछ ग्रोसरी वगैरह भी लेना है, कुछ इधर उधर का सामान बनाने के लिए। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ ब्लॉग में आगे। लफड़े वाली विलेज ट्री प्लांट लिखा है यार, इसका एक लफड़ा चल रहा है अभी प्लांट में, इसका ऊपर निकालना पड़ रहा है। इसका स्टोरी मैं बताता हूँ आप लोगों को सीधा घर में। गाइस अभी करीब 6:20 हो रहा है और मैं घर आ गया हूँ और वेदर भी काफ़ी ताबड़तोड़ किया है, मतलब बारिश कभी भी आ सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। मैं मनोज कुमार फिर से आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके आया हूँ और मेरा आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल, फैमिली चैनल। और अभी आज गणेश पूजा का दिन था तो मैं तो ड्यूटी गया था, ड्यूटी से अभी आया हूँ, छुट्टी नहीं जाता। बट कल मैंने छुट्टी ले, क्योंकि अपना नुआखाई आ रहा है, उड़ीसा का काफ़ी एक बहुत बड़ा त्यौहार है वेस्ट उड़ीसा का। तो देखते हैं कल क्या क्या हो रहा है, मैं सब कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन आज अपन करने वाले हैं कुछ स्पेशल खास, मुझे जो कल मैं आपको वाले ब्लॉग में जो आपको बताया था कि कुछ खाने का मन कर रहा था, वो अभी बन रहा है, वो भी खाऊंगा। उसके बाद मैं अभी कुछ सब्जी का रिक्वायरमेंट था और छोटा मोटा कुछ ग्रोसरी सामान जरूरत था, तो मैं सब लेके मार्केट आ गया हूँ, घर आ गया हूँ। और अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ खाना वाना कर खाएँगे। उसके बाद आज का जो प्लानिंग है वो सब अपन बात करेंगे। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। और ये बंदा देखिए बैलून लेके क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है? और गैस अभी थोड़ा चाइना से तो हो गया, अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नुआखाई ये है तो उसके लिए बच्चों के लिए कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए, तो अभी मैं जा रहे हैं, मैं और आमोस अभी आया है क्वार्टर, तो मैं आमोस और दोनों बच्चे जा रहे हैं अभी थोड़ा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए कपड़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्लॉग में आगे। और ये बंदा आ गया मुझे बुलाने के लिए, देखिए चलो 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 चलो। और अपन अभी आ गए हैं, सीधा से टाइट नहीं हमारे से। मैं बाय मुझे 10 बजे आई, मैं बाबा मत चल के नहीं आऊं, मुझे 10 बजे आने देखने वाले कंदा कंदा क्लास में थोड़ा कंदा आसी पर ए दौड़ा 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 उधर जा जा जा। आ गए हैं मार्केट से, थोड़ा सा अभी मैच चल रहा है, देख लेते हैं इंडिया और हांगकांग का कैसा क्या स्कोर वगैरह हुआ है। हाय गाइस, अभी टाइम करीब 8 बज चुका है और हम लोग आज जैसे कि कल मैं बता रहा था आपको कि कल नुआ अपना नुआखाई है, हम नुआखाई तैयार कर रहे थे। तो
आज तो गणेश पूजा था और मैं ड्यूटी गया था, बट इस साल क्या हम लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि मम्मी पापा यहीं पे हैं और मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जो भी है अपन यहीं पे करेंगे अभी। तो आज अभी शाम को मैं आमोस और दोनों बच्चे गए थे, कुछ कपड़ा उनको लिए खरीद के लेके आ गए हैं। फाइनली घर में भी अभी चकली बन रहा है, उसको रोस्ट पेक भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं अभी जो खा रहा था इसको मज़ा आ गया खा के। दी नेक्स्ट डे कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, में हमारा पर फिर से आप लोग नया ब्लॉग लेके आया हूँ। और आज थर्सडे है और आज नुआखाई भी है, तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 8 बजे सुबह का, अभी बस उठा हूँ और बस बस करके रेडी हो गया और खाना जो बना है ब्रेकफास्ट पकौड़ा वगैरह कुछ बनाता हूँ वोटापट वो सब खाता हूँ। उसके बाद आज हम लोग का जो ये नुआखाई है ना, काफ़ी एक ट्रेडिशनल त्यौहार होता है वेस्ट उड़ीसा का, उड़ीसा में बहुत पॉपुलर यहाँ पे। इस दिन में मतलब काफ़ी लोग जो है मतलब सब जो है अपने गांव में जहाँ जहाँ भी रहते हैं सब आते हैं, और मतलब कोई भी कितने भी दूर रहे सब इस दिन गांव में आते हैं और फैमिली के साथ ये लोग इस नुआखाई त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं मानते हैं, तो काफ़ी बहुत मज़ेदार होता है। हम तो इस बार जा नहीं पाए और हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जितना हो पाएगा सब करने के लिए। सो कुछ सामान मैंने कल लेके आया था, कुछ सामान आज लेके आना है, तो फटाफट भी मैं नाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ ब्लॉग में। तो अगर आपने मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल में फर्स्ट टाइम है, तो अगर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और एक बार वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है कि ये ब्लॉगिंग चैनल है, फैमिली चैनल है। और मैं भी क्या नाश्ता बना मैं आपको दिखाता हूँ। लेमन की चटनी से पकड़ा, इमली की चटनी और पकौड़ा एकदम तगड़ा दिख रहा है, इसको थकाना भिड़ जाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। काय सभी मैं अपना सबका नाश्ता वगैरह हो चुका है और जैसे कि नुआखाई हम लोग का यहाँ पे ना मतलब नुआखाई में कुछ थोड़ा बहुत जो है नॉनवेज खाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जाके थोड़ा सा मछली वगैरह लेके आ जाता हूँ। और मछली जो है आज मैं जाऊँगा एक्चुअली एक नया मार्केट जा रहा हूँ, दूर मार्केट का प्लान चल रहा है क्योंकि पावर हाउस जाता तो मिल जाता है, बट पावर हाउस काफ़ी दूर हो रहा है, करीब यहाँ से 10 किलोमीटर तक, सोचा कि एक पे देखता हूँ। दूर में एक मार्केट है, दूर का बड़ा फेस मार्केट, वहाँ पे अगर मिल जाएगा तो पहली बार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, देखता हूँ क्या माहौल, और आप लोगों को भी ब्लॉग में दिखाऊंगा, सब लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो अपन आते हैं दूर के फिश मार्केट से, हम लोग आ गए हैं दूर इंदिरा मार्केट, जो मैं पहले नहीं आया था, पहली बार आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह का क्या क्या सामान मिल रहा है। ये क्या छोटा मछली, बस यही है और कुछ नहीं है? ये कैसे दे रहे हैं? देख लेते हैं, और नहीं तो इसको लेके जाना पड़ेगा, तो एक पाव दे दीजिए बस। गाइस यहाँ पे हम लोग आए थे बट ज़्यादा ऑप्शन मिला नहीं मछली का, क्योंकि अच्छी एक दो ऑप्शन था उसी को लेके निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी घर और बात करते हैं ब्लॉग में आगे। हम लोग आ गए हैं मार्केट से और भाई साहब वहाँ पे मैं गया था यार, बड़ा मार्केट होगा पर ऐसा कुछ नहीं था, या फिर अभी सुबह था इसलिए कुछ खुला था, मछली बिल्कुल नहीं था, एक ही ऑप्शन था अपने पास, क्योंकि हम लेके आ गए हैं अभी वेज सब्जी बनाने का तैयारी चल रहा है अभी, तो सब आपको दिखाता हूँ मैं ब्लॉग में और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए थोड़ा सा किचन का राउंड ले लेते हैं, क्या क्या खाना बन रहा देख लेते हैं। क्या कर रहा है तू? सोके और ये मैडम पूरा संबलपुरी गेटअप में आज, ये देखिए एक वेज, ये मतलब मिक्स वेज टाइप का कुछ बन रहा है, इसमें कोचे आपका परवल का पता नहीं काफ़ी सारा सब्जी मिला हुआ है, उसके साथ साथ उधर खीर बन चुका है, उधर देसी मूंग दाल वगैरह बन रहा है। पापा का लेंगे इधर देख, पोट दे पोट दे दे ए पौधे 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 बाबू, ए तू आ जा, आ जा रे तो आ मामा।
करीब दो बज चुका है अपन का, सबका खाना जो है खत्म हो चुका, खाना उन्हें सब खा लिए हैं। और आज के दिन ना बेसिकली जो नुआखाई होता है, मैं आपको बता रहा था कि अपन सब तो बाहर दूर लोग रहते हैं, वो सब आते हैं गांव में, फिर वहाँ पे पूजा वजा होता है और उसके बाद नुआखाई खाते हैं। तो खाने में काफ़ी सारे व्यंजन बनते हैं अपने, ट्रेडिशनल व्यंजन बनते हैं, सब काफ़ी सारे व्यंजन बनते हैं उसके साथ फैमिली को जो जिसमें सब ना एक साथ बैठ के सब खाना खाते हैं। तो इस तरह का एक सब नए कपड़े पहनते हैं, सब अच्छे मिल के खाते हैं और सबको खाने के बाद फिर सब ग्रीटिंग्स देते हैं सबको आपस में। तो काफ़ी एक बहुत ही तगड़ा एक हम लोग का एक त्यौहार रहता है नुआखाई, जो मैं आपको शेयर करने वाला था ब्लॉग में आगे। और भी काफ़ी सारे कुछ काम है अभी।